सर सस्टेबल में यहाँ पर आप लोग 200% आप लोग का नेक्स्ट लकरल की गन स्किन देख सकते हो। गाइस यहाँ पे गन स्किन के साथ साथ और भी काफ़ी सारा आइटम है, जैसे कि इमोट, मैजिक क्यूब, टूटा फूटा वाला जो फ्रेगमेंट बोलते हो उसको भी यहाँ पे डाल दिया गया है। एंड गाइस और भी नहीं, यहाँ पे टॉप वगैरह भी देखने के लिए मिल जाता है। तो गाइस देखो ये तो मैं कन्फर्म एक तो कर देता हूँ कि यहाँ पे आप लोग को ये सब कुछ देखने के लिए नहीं मिलेगा, उसके बदले यहाँ पे सिर्फ के सिर्फ आप लोग को गन स्किन देखने के लिए मिलेगा। और गाइस 200% कन्फर्म हो चुका है। इसके बाद में यहाँ पे आप लोग देख सकते हो आप लोग का मिस्ट्री शॉप की निकल के आ चुका है, जिसके अंदर से ये दोनों बंडल आप लोगों को देखने के लिए मिलेगा। और गाइस मिस्ट्री शॉप का अगर कंफर्म डेट जानना है तो मुझे आप लोग कमेंट कर सकते हो। मिस्ट्री शॉप की डेट वगैरह सब कुछ कंफर्म हो चुका है। तो सबसे पहले मैं यहाँ पे आप लोग देख सकते हो दो तरीके का बंडल है, एक तो यार मेल वाला, दूसरा यहाँ पे फीमेल की। एंड गाइस यहाँ पे पैन की स्किन से लेकर गन स्किन स्किन बहुत कुछ यहाँ पे आइटम देखने के लिए मिल जाता है। तो गाइस एक एक करके यहाँ पे आप लोग देख सकते हो बहुत कुछ आइटम है। और यहाँ पे एक G18 वाला भी गन स्किन देखने के लिए मिल जाता है, पैराफेलो की भी गन स्किन देखने के लिए मिल जाता है। तो गाइस बहुत ही सारा भाई लोगों को अभी तक पता नहीं है कि मिस्ट्री शॉप कब आएगा। तो गाइस अगर पता नहीं है तो मुझे आप लोग कमेंट कर सकते हो, मेरे पास तो 100% कंफर्म डेट पता है। अभी तो पता चल चुका है कि मिस्ट्री शॉप कब तक आएगा आप लोगों का। अगर नहीं पता तो कल या फिर परसों में वीडियो डालूंगा, आप लोग देख सकते हो कि उसके अंदर से आप लोग को क्या कुछ देखने के लिए मिलेगा और मिस्ट्री शॉप कब तक आएगा। एंड गाइस सिर्फ यही नहीं, ये वाला जो बंडल आप लोग देख सकते हो ना, ये सब कुछ बंडल आप लोग को ऐसा भी हो सकता है कि आप लोग को लक रॉयल के अंदर भी देखने के लिए मिल सकता है, मतलब जिसको आप लोग लाकी व्हील इवेंट बोलते हो तो उसके अंदर से भी देखने के लिए मिल सकता है। इसके बाद में गाइस यहाँ पे बात करके आप लोगों का दिवाली इवेंट कार्ड में, तो गाइस देखो आप लोगों को पता है कि आप लोगों को जब दिवाली इवेंट देखने के लिए मिलता है तो उस टाइम आप लोगों को एक गिफ्ट ऑफ लाइट जब देखने के लिए मिला था इसका पहले में, तो इसके अंदर अंदर आप लोगों को हर बार देखने के लिए मिलता है कि आप लोग का एक क्विज इवेंट देखने के लिए मिलता है और उसके अंदर से काफ़ी सारा आइटम दिया जाता है। जैसे कि मैं कल की वीडियो पर भी आप लोग को बहुत सारा आइटम के बारे में कन्फर्म करा दिया हूँ कि आप लोगों को यार गिफ्ट ऑफ लाइट या फिर आप लोग दिवाली का जो विश इवेंट बोलते हो उसके अंदर से देखने के लिए मिलेगा। तो गाइस देखो दिवाली का विश इवेंट काफ़ी बड़ा इवेंट होता है, उसके अंदर से आप लोग को बहुत कुछ आइटम देखने के लिए मिलता है, जैसे कि यार बंडल से लेकर गन स्किन से लेकर और भी काफ़ी सारा आइटम वहाँ पर आप लोग को देखने के लिए मिल जाता है विश इवेंट के अंदर। तो गाइस इसके लिए मैं आप लोग को कल तक बहुत कुछ इवेंट कन्फर्म करा चुका हूँ। एंड गाइस बहुत सारा आप लोग यहाँ पे आइटम वगैरह भी कंफर्म कर दिया हूँ कि आप लोग को ये सब कुछ यार मिस्ट्री शॉप या फिर कोई ऐसा इवेंट पर देखने के लिए मिलेगा जो दिवाली के अंदर अंदर आप लोग को देखने के लिए मिलेगा। तो दिवाली स्पेशल भी आप लोग को एक मिस्ट्री शॉप इवेंट निकल के आ चुका है, तो उसको भी यहाँ पे रिव्यू करा दूंगा। लेकिन उसके पहले आप लोग यहाँ पे देख सकते हो आप लोग का जो लाइट अप इवेंट है, तो गाइस इसके अंदर से आप लोग का जो इवेंट है ना, मैं आप लोग को कल की वीडियो पर बता चुका हूँ कि आप लोग को जो यहाँ पे आप लोग का सामने बंडल देखने के लिए मिलेगा। पोकर MP40 भी आने का चांस थोड़ा बहुत है, ज़्यादा तो कन्फर्म नहीं करूँगा। और यहाँ पे आप लोग का जो पास लेते हो ना यहाँ पे, तो ये वाला पास इवेंट भी आप लोग को देखने के लिए मिलेगा। अभी पास इवेंट भी कौन कौन सा रिवॉर्ड होगा ये तो मैं कन्फर्म नहीं करा सकता हूँ, लेकिन गाइस आप लोग OB40 अपडेट तक वेट करो, मैं आप लोग को जरूर से कन्फर्म करा दूंगा। तो गाइस इतना तो अभी लीक्स निकल कर आ रहा था, इसके लिए तो आप लोगों को बता दिया। फिलहाल में तो आप लोग ये सब भी जानते ही हो, आप लोगों को तो यार दिवाली इवेंट पर देखने के लिए मिलता ही है। बाकी यार कोई नॉर्मल वाला इवेंट होता है तो उसमें भी आप लोग कभी कभी ये वाला पास इवेंट देखने के लिए मिलता है, इसके लिए यहाँ पे थोड़ा बहुत आप लोग को रिव्यू वगैरह करा दिया। इसके बाद में गाइस यहाँ पे आप लोग देख सकते हो ये जो लाकी शॉप का देख सकते हो ना, मतलब यार लेवल अप शॉप बोलते हैं इसको, तो ये वाला लेवल अप शॉप आप लोग को दिवाली इवेंट को देखने के लिए मिलेगा। हाँ गाइस मिस्ट्री शॉप देखने के लिए नहीं मिलेगा, मिस्ट्री शॉप अभी के टाइम पे देखने के लिए मिल जाता है, इसके लिए दिवाली इवेंट पर आप लोग को ये वाला लाकी वाला शॉप देखने के लिए मिलेगा। तो गाइस उम्मीद करता हूँ कि आप लोग को ये वाला इवेंट भी बहुत ही पसंद आता है, क्योंकि इसके अंदर से आप लोग बहुत ही कुछ आसानी से डायमंड वगैरह निकाल सकते हो, बहुत ही कम डायमंड के अंदर से बहुत ही रेयर रेयर आइटम आप लोग के यहाँ से निकल जाता है। एंड गाइस बात करके आप लोग का यार 3 इंक्यूबेटर रिटर्न कार्ड में, क्योंकि मैं आप लोग को बता चुका था कि आप लोग को टोटल 3 इंक्यूबेटर रिटर्न में देखने के लिए मिलेगा, तो उनमें से काफ़ी सारा आइटम यार बहुत ही एक्साइटेड हुआ था और बोला था कि कौन कौन से इंक्यूबेटर रिटर्न में आएगा। विक्रम भाई कोई एक वीडियो बना के बता दो या फिर रिव्यू वगैरह कुछ भी तो करा दो, क्योंकि हम लोग को कैसे पता चलेगा। क्योंकि यहाँ पे एक एक करके मैं आप लोग को बंडल वगैरह सब कुछ दिखा देता हूँ। तो यार यहाँ पे तो आप लोग का मेल वाला बंडल, फीमेल वाला बंडल और भी काफ़ी सारा बंडल यहाँ पे देखने के लिए मिलता है। यहाँ पे आप लोग देख सकते हो ये सब लोगों को मिस्ट्री शॉप की देखने के लिए मिल चुका है। तो गाइस मिस्ट्री शॉप पे तो देखने के लिए ऐसा बंडल कभी नहीं मिलेगा। आप लोग कमेंट कर रहे थे कि मिस्ट्री शॉप पे ये वाला बंडल आएगा, तो गाइस ये इनक्यूबेटर का बंडल है, कहाँ से मिस्ट्री शॉप के अंदर आएगा। मैं तो आप लोग को कन्फर्म कराया था कि आप लोगों को यार दिसंबर मंथ को देखने के लिए मिलेगा, 25 दिसंबर को। तो गाइस इसी टाइप से आप लोग को 25 दिसंबर को ही देखने के लिए मिलेगा इवेंट। तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हो उसके पहले में यहाँ पे आप लोगों को रिवॉर्ड कौन कौन सा दिया हो जाएगा, कि गाइस आप लोगों को तो इसके लिए डायमंड जमा हो गए, लेकिन आप लोग को अगर पता चलना चाहिए ना कि कौन कौन सा आप लोग का पसंद वाली गन स्किन आएगा, कौन कौन सा पसंद वाली बंडल आएगा, तो गाइस इसके लिए यहाँ पे बंडल वगैरह रिव्यू करा देता हूँ। तो एक एक करके इनक्यूबेटर के यहाँ पे सारे के सारे बंडल देख सकते हो गाइस। टोटल के टोटल जितना
अभी यहाँ पे बंडल दिखाऊंगा, सब के सब आप लोग को रिटर्न में देखने के लिए मिलेगा। तो कैसे को बाहर के सफर तो बहुत दिन पहले इवेंट वगैरह आ जाता है, लेकिन इन्फ्लुएंसर पर गेलना क्या करता है पता नहीं, कुछ कुछ आइटम को एयर पेंडिंग कर देता है। इसके लिए आप लोग को कुछ कुछ आइटम ऐसा है जो मैं दिखा देता हूँ लेकिन आप लोग को देखने के लिए मिलता नहीं है। तो गेलना क्या करता है पता नहीं यार, हम लोगों के साथ ऐसा क्यों करता है, कोई इवेंट दिखाता हूँ तो उसको गेलना क्यों भी इन्फ्लुएंसर पर देता नहीं है पता नहीं है। देखो यार अभी तो गेलना फ्री फायर इंडिया जो आ रहा है ना, तो अभी तो कुछ दिन बाद ही आप लोगों को देखने के लिए मिल जाएगा, जैसे कि आप लोगों का यार नवंबर मंथ को आप लोगों को देखने के लिए मिल जाएगा 1 तारीख को, और 1 तारीख को आप लोग जब उसको लॉगिन कर देना तो लॉगिन करने के बाद ही आप लोग को एक कैरेक्टर भी फ्री में क्लेम करने के लिए मिल जाएगा। और कैरेक्टर आप लोगों का धोनी कैरेक्टर है, मतलब यार थाला कैरेक्टर नाम रखा है अभी गेम के अंदर। तो बंगाली में थाला को क्या बोलते हैं पता है ना यार, उसमें बंगाली जो लोग हैं ना खाना खाते हैं गाइस, मुझे पता है गाइस क्योंकि मैं खुद भी बंगाली हूँ, तो उसमें बहुत सारे लोग ऐसा है कि खाना खाते हैं, तो गाइस ऐसा खाना खाने के ऐसा कैरेक्टर आएगा तो आप लोग यार खाना खाओगे क्या कमेंट करके ज़रूर बताना। तो गाइस इसके बाद में यहाँ पे आप लोग देख सकते हो सबके सब इनक्यूबेटर रिटर्न आएगा गाइज। ये तो यार मेरे पास तो ये वाला इनक्यूबेटर है गाइज जो पीछे गोल गोल घूम रहा था, जो ये वाला तो मेरे पास नहीं है गाइज। आपके पास कौन कौन सा है कमेंट करके ज़रूर बताना, यहाँ पे मैं जितना भी दिखा रहा हूँ इनमें से कोई एक आप लोगों के पास तो ज़रूर होगा, क्योंकि गाइज कोई भी बंदे के पास एक भी इनक्यूबेटर का बंडल नहीं है, ऐसा तो कभी हो नहीं सकता है। किसी किसी के पास तो एक भी तो होगा या नॉर्मल वाला भी होगा तो वो भी चलेगा, कमेंट करके आप लोग ज़रूर बताना कि आपके पास कौन सा यहाँ पे बंडल आप लोग को निकल के रख दिया हो, और कितना डायमंड में निकला था या फिर आप लोग का फ्री में निकल गया था क्या, कमेंट करके ज़रूर बताना। लेकिन गाइस यहाँ पे आप लोग तो सबसे पहले मैं यहाँ पे बंडल वगैरह देख सकते हो यार, आता ही जहर जहर से यहाँ पे आप लोग को बंडल वगैरह रिटर्न में देखने के लिए मिलेगा, और गाइस आता है तो आप लोग इनक्यूबेटर पर देखने के लिए नहीं मिलेगा, कन्फर्म करा देता हूँ। यहाँ पे आप लोग जो भी इवेंट देख सकते हो ना अलग रॉयल वाली, आप लोग को इसी इवेंट पर देखने के लिए मिलेगा और 25 दिसंबर को देखने के लिए मिलेगा गाइस, पूरे के पूरे 100% कन्फर्म डेट है गाइस। हाँ कोई भी दिक्कत वाली बात नहीं है, आप लोग को उसी डेट को देखने के लिए मिलेगा और इसी इवेंट के अंदर से देखने के लिए मिलेगा। तो इसके पहले में क्या हुआ था कि आप लोग को यार इलाइट का और एक बंडल देखने के लिए मिला था, जहाँ पे आप लोग को इलाइट पास का देखने के लिए मिला था बंडल, और वहाँ पे टोटल आप लोग को 5 इलाइट पास का बंडल दे दिया हुआ गया था। तो उनमें से बहुत ही सारा बंडल है यार, बहुत ही सारा भाई यार ऐसा है जो यार सीजन 1 सीजन 2 निकाला था, तो क्या सेम टू सेम इसी टाइप से आप लोग को इस बार भी ऐसा दे देगा गेलना इवेंट, क्योंकि गाइस गेलना को देखो यार हर महीने को तो लूटना ही है, तो गेलना लूटते लूटते कहाँ पे चला जाता है पता नहीं यार, ये पूरा साल खत्म करने का जब होता है ना तो वहाँ पे आप लोग को इतना सारा लूटता है क्या पता नहीं, इस इवेंट के अंदर से कितना लूटेगा अभी आप लोग खुद ही देख लेना गाइस। बहुत सारे यूट्यूबर है कि इसके अंदर से स्पिन वगैरह करके आप लोग को दिखाने जाएगा कि इतना सारा डायमंड जाएगा इतना सारा डायमंड जाएगा, तो गाइस देखना पड़ेगा उसमें अंदर कि आप लोग को कितना सारा डायमंड जाता है। और आप लोग अगर निकालने वाले हो ना तो पहले से बता देता हूँ यार, एक बंडल को निकालने में यहाँ पे आप लोग का बहुत सारा डायमंड जाएगा यार। मैं तो सिर्फ इसके अंदर से यार सिर्फ हिप हॉप वाला बंडल निकाला था गाइस, मेरा 5000 से ऊपर डायमंड चला गया था, तो गाइस आप लोग सोच सकते हो कि एक बंडल को निकालने में अगर इतना सारा डायमंड जाता है तो कितना सारा आप लोग का डायमंड लगने वाला है इस इवेंट के अंदर से। लेकिन गाइस देखो इस बार अगर आता है तो आप लोग को बहुत ही आसानी से भी निकाल सकता है, क्योंकि इतना सारा बंडल है इतना सारा में से तो एक तो जरूर से निकल जाएगा, टेंशन करने की कोई भी ज़रूरत नहीं है, लिंक्स मिलते ही इसका बता दूंगा। और गाइस जो भी भाई यार क्लान इनक्यूबेटर समुदाय इनक्यूबेटर इन सब के लिए वेट कर रहे हैं उनको तो यार बहुत ही खुशी हो जाएगा, दिल तो यार पूरा गार्डन गार्डन हो जाएगा उसका, क्योंकि इस इवेंट के अंदर से भी आप लोग को देखने के लिए मिल जाता है आप लोग का क्लान इनक्यूबेटर और आप लोग का समुदाय इनक्यूबेटर सब कुछ यहाँ पे देखने के लिए मिल जाता है। तो आप लोग यार कौन सा निकालोगे इनमें से मुझे कमेंट करके जरूर बताना। मैं तो आप लोग यहाँ पे बहुत ही सारा इनक्यूबेटर दिखा दिया, फिलहाल मैं तेरे इनक्यूबेटर का जो इवेंट दिखा दिया ये तो अभी खत्म होने वाला है, और गाइस यहाँ पे आप लोगों को मैं एक और एक इवेंट दिखा देता हूँ जो यार आप लोग देखोगे ना तो वो दिल पूरा गार्डन गार्डन यहाँ पे देख सकते हो गाइस। आप लोगों को मैं क्या बताया हूँ कि थंबनेल पर कि कोबड़ा बंडल बुया बंडल गैलेक्सी बंडल सब कुछ देखने के लिए मिलेगा आप लोगों को, तो यार आप लोग शायद सोच के चल सकते हो कि यार आप लोगों को इस टाइप का भी इवेंट आ सकता है। लेकिन गाइस देखो यहाँ पे मैं आप लोगों को सिर्फ इसके लिए बता रहा हूँ कि गाइस यहाँ पे जो आप लोगों का कोबड़ा बंडल है ना इसका अभी ले कुछ भी ऐसा लिस्ट निकल के नहीं आ रहा है कि आप लोगों को कब तक देखने के लिए मिलेगा, मतलब यार कोबड़ा बंडल की लिस्ट बहुत ही ज़्यादा कम निकल के आ रहा है कि वही कोबड़ा बंडल देखने के लिए मिलेगा बुया बंडल के साथ मिलेगा, ऐसा लिस्ट तो बहुत ही कम आ रहा है। लेकिन गाइस यहाँ पे जो आप लोग का बुया बंडल है ना उसका लिस्ट बहुत ज़्यादा निकल के आ चुका है, और इसका डेट भी यार कन्फर्म हो नहीं जा रहा है यार, कुछ ही दिन में कन्फर्म हो जाएगा, 1-2 दिन आप लोग वेट कर लो यार डेट जरूर से कन्फर्म हो जाएगा। लेकिन इवेंट वगैरह सब कुछ कन्फर्म हो चुका है, तो आप लोग यहाँ पे देख सकते हो इवेंट आप लोग को इसी इवेंट के अंदर से देखने के लिए मिलेगा, जो ये भी लोग यहाँ पे अभी इवेंट देख सकते हो गाइस यार ये वाला इवेंट होगा। और गाइस ऐसा भी हो सकता है यहाँ पे आप लोग का बुया पांडे की जो बंडल था उसका यहाँ पे फिस्ट स्किन यहाँ पे गुलाल की स्किन शायद की स्किन ये सब भी देखने के लिए मिल सकता है,
अगर ऐसा नहीं होता है तो आप लोग का जो वीआरडी की बंडल की पिछले वाले का था तो उस सब भी यहाँ पे आप लोग को देखने के लिए मिल सकता है, जैसे कि 2022 का 2021 का ये सब भी यहाँ पे आप लोग को देखने के लिए मिल सकता है। अभी तो देखो यार इतना तो कंफर्म नहीं करूँगा, बस इतना कंफर्म कर सकता हूँ कि आप लोग को इसी इवेंट के अंदर से देखने के लिए मिलेगा आप लोग का वीआरडी की बंडल। और अगर सिर्फ यही नहीं, वीआरडी के बंडल को आप लोग निकालने वाला होना तो उनमें से निकालने के लिए आप लोग को यार 5000 तक तो डायमंड ज़रूर चाहिए। गाइस मैं अभी क्या बता दिया आप लोग को कि बहुत सारा डायमंड चाहिए, तो गाइस आप लोग का 5000 तो डायमंड ज़रूरी चाहिए बुंडा भैया बंडा बंडल को निकालने में। तो एक भाई ने कमेंट किया था कि उसके पास यार 10000 के ऊपर डायमंड है तो वो तो यार ज़रूर निकाल लेगा, लेकिन आपके पास कितना डायमंड है कमेंट करके मुझे ज़रूर बताना, तो क्या है मुझे भी पता चल जाएगा कि हाँ भाई इस भाई के पास इतना सारा डायमंड है। तो गाइस इसका निकलेगा क्या नहीं कमेंट पे मैं उसका रिप्लाई वगैरह कर दूंगा। तो गाइस यहाँ पे आप लोगों को तो यार इवेंट तो पूरा कंफर्म करके दिखा दिया, अभी तो यार सिर्फ डेट कंफर्म होना बाकी। आप लोग दो एक दिन तक वेट करो, मैं आप लोग को कम्युनिटी पोस्ट करूंगा डेट को, तो आप लोग कम्युनिटी पोस्ट जरूर से चेक कर लेना। गाइस उम्मीद करता हूँ कि आज की वीडियो अगर पसंद में आता है तो जरूर से लाइक कर दिए हो आप लोग, अगर लाइक अभी तक नहीं किया तो जरूर से लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर देना। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर।